नमस्ते दोस्तों, मार्बल गुरु जी जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो अंडाकार कटिंग होती है, जैसे वॉश बेसिन की कोई कटिंग हो गई, आप इसका मेजरमेंट कैसे लगाएंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यही अंदाज से सेंटर करके थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से। आज इस वीडियो में आपको परफेक्टली ऐसी, चाहे उसको फर्मा कहें चाहे नाप लेने का विधि कहें, ऐसी विधि बता दूंगा कि आपको अंडाकार कटिंग में और मेजरमेंट में और डिजाइन में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। जैसा आपने देखा, ये चीज़ हमने मिटा दी और बहुत ही जल्द आपके लिए ऐसी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। देखिए, जैसे ये टाइल है 2 फीट की, तो 1 फीट का सेंटर और mm में बोले तो 600 mm इसकी लंबाई है। स्क्वायर टाइल है 2x2 की, तो 300 पे हमने सेंटर का मार्किंग कर दिया है। और कोई भी मेरे से अगर जुड़ा हुआ चैनल से, तो अगर कुछ भी ऑनलाइन अगर मटेरियल की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर देना। मैं अभी राजस्थान में ही हूँ, तो आपका काम अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपका भी काम हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए, जैसा सेंटर है, ये सेंटर में लाइन कर दी। इसमें एक ही चीज़ है मेन, हमेशा सेंटर कोई भी हम काम करते हैं तो सेंटर, उसका आधार सेंटर ही होता है। अब ये सेंटर हो गया पूरा। अब मैं इस सेंटर से, ये देखिए, दो आपको लकड़ी के गट्टे लेने और उस पर कील मार देना, दोनों पे कील लगा देना और फिर जो अपना मेजरमेंट चलेगा, सेंटर से 7 इंच इधर और 7 इंच इधर, 14 इंच आपका मेजरमेंट और भी हो सकता है। मान ले किसी के 20 इंच का भी होगा, किसी के 25 इंच का भी होगा, लेकिन जो मैं यह काम कर रहा हूँ वहाँ 14 इंच सेंटर से 7 इंच में। अब इस चीज़ को आपको, जो ये आ गए मेजरमेंट अपना 7 इंच इधर 7 इंच इधर, तो वहाँ पे आप ये फेविक्विक लेके, फेविक्विक आपका 5 रुपये में किसी भी किराना स्टोर की दुकान पे मिल जाता है, ये यहाँ पे सेंटर में 7 इंच पे और 7 इंच पे ये चिपका देना। आपका मेजरमेंट 7 इंच नहीं रहेगा आपका जो भी हो, खाली मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। ये देखिए, फिर क्योंकि चिपक गया है, पॉलिश पे बहुत कम चिपकता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि चिपक जाए ये। अगर रफ जगह होती तो ये फटाफट चिपक जाता। थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए ये चिपका ही नहीं। और ये जब चिपक जाता है तो उसके बाद मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मैं आपको ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से ही चलना है। अगर आप सेंटर्स को आउट करेंगे तो आपका ये जो अंडाकार जो चीज है वो बिगड़ जाएगी। ये दोनों साइड लग गया परफेक्ट। अब हमको क्या करना है, इसके बाद में कोई भी अगर आपके पास में धागा हो तो धागे को इस तरह लीजिए और उसके हिसाब से, आपके मेजरमेंट के हिसाब से 2 या 3 इंच एक साइड से ज़्यादा चाहिए। ये यहाँ से काट देंगे और एक आप इस पे गांठ लगा दीजिए। आपका ऐसा अंडाकार चीज़ बन जाएगी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में। और ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे आपका पेन का मेजरमेंट भी फिक्स होना चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको पेन का ये धागा भी हटेगा तो क्या होगा, वो भी इसमें रिजल्ट आएगा। फिर आपको इस तरीके से ये चीज़ करनी है। ये कील के यहाँ एक धागा रहेगा इधर, और ऐसे ये मेजरमेंट चलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कर देना। ये देखिए, अब नीचे उतर गया धागा और आप देखिए ये मिलेगा ही नहीं ये चीज। अगर यहाँ पेन के यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ गड़बड़ होती है तो ये ऐसी चीज़ आएगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें।
ताकि वो भी ये चीज़ अगर नहीं है तो वो भी सीख सकें।